हाय एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर लोकेश वाली यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋतिक और मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ कॉमर्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि एक फॉर्मूले वाली वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर सारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले हम लोग लिखने वाले हैं। ये हमारा यूनिट 5 चल रहा है, यूनिट 5 पेपर 2 कॉमर्स का, जो कि आप हेल्प करेगा किसमें, जो कि आपको मैनेजमेंट के अंदर भी हेल्प करेगा एंड आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के अंदर भी हेल्प करेगा जो भी स्टेट वाइज होते हैं, एंड ऑल्सो पीजीटी के अंदर भी आपको हेल्प करने वाला है। तो ओवरऑल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है, एंड तक इसको जरूर देखना और मेरे साइड बाय साइड ये जो फॉर्मुलेज हैं इसको उतार लेना, और मैं कैसे उतरवाऊंगा वो देख कर उतारना। सिस्टमेटिक वे में मैं आपको ये यहाँ पर फॉर्मुलेज करवाने वाला हूँ, तो मेरे साइड बाय साइड आप लोग उतार लीजिएगा। एक अपनी प्रॉपर नोट वाली जो बुक्स है, आपकी नोट्स वाली जो बुक्स है उसके अंदर उतारने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बना रहा हूं मैं, अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो उसको पीछे करके दोबारा से देखना एंड देन कंटिन्यू करना, ठीक है। और इस वीडियो को पहले से ही जाकर आप लोग सेव कर सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, आपके एग्जाम टाइम पर भी आपका रिविजन ये आपको करवा देगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एज ऑलवेज मैं आपको ये सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ। सिलेबस के अंदर हमने सब कुछ कवर कर लिया है, बस ये जो येलो वाला पोर्शन है ये हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर आएगा, जो कि हमारी होती है जनरली रोज शाम 6 PM, 6 बजे शाम को हम लोग लाइव सेशन करते हैं, जिसके अंदर हम अभी सिलेबस कवरेज की वीडियोस कर रहे हैं जो है यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए, ठीक है। जिसके अंदर हमने अभी यूनिट 5 को ही जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आज की इस वीडियो के अंदर फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, और फॉर्मूले डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। क्या वो इन्फॉर्मेशन है? 50% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है, और केवल 11 और 12 अक्टूबर के लिए है ये। डायरेक्टली 50% का ऑफ है हर एक कोर्सेज पर, चाहे वो पेपर 1 हो सिंगुलर मतलब सिंपल अलग से, चाहे वो पेपर 2 हो अलग से, या फिर कॉम्बो हो, हर एक कोर्सेज पर 50% का ऑफ है। जिनको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है फॉर जून या फिर दिसंबर के लिए, तो आप लोग परचेज कर सकते हो। ये वाला जो है ये जून ये दिसंबर का है बैच 2024 का, और ये जो अमाउंट है ये आपका वैलिड रहेगा जून 2025 तक के बैच के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला जो कॉम्बो है ये आप लोग परचेज कीजिए, ताकि अगर दिसंबर के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हम लोग जून का हमारे पास बैकअप रहे, एक है ना, जून के लिए भी हम साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहें अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए अगर दिसंबर के अंदर, तो ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द रेलेवेंट सब्जेक्ट, जिसमें आपको देना चाहते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम, वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, यू कैन बाय। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, या फिर अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, एंड डायरेक्टली वहां पर जाकर आप लोग कूपन कोड लगाओगे, दशहरा इज द कूपन कोड, ये आपको कूपन कोड वहां पर लगाना है और डायरेक्टली वहां पर मिल भी जाएगा। तो कूपन कोड लगाकर आपका जो पैसा है, जो आपका अमाउंट है, वो कम हो जाएगा एंड यू कैन परचेज योर कोर्स। अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो के अंदर आगे, और शुरुआत करते हैं हर एक फॉर्मूले लिखने की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बस मैं यहाँ पर फॉर्मुलेज करवाऊंगा, क्यों बने हैं फॉर्मुले, क्या उनका कंसेप्ट है, ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी करते हुए आ चुके हैं, है ना। ये ऑलमोस्ट हमारी 19th वीडियो होने वाली है, 19th लाइव सेशन होने वाला है, तो उसी प्रकार से आप इसको देखिएगा, है ना। पिछले हमने 18-17 जो लाइव सेशन लगाए हैं वो पूरा सिलेबस कवरेज की वीडियोज है, तो वो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो चैप्टर आता है आपके पास है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। सबसे पहला जो है वो है अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेंगे, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और कैसे निकल सकता है, और भी इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, लिख लीजिएगा। एक्स बार इक्वल्स टू, अगर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। या फिर हमें शॉर्टकट मेथड से निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है, तो एक्स बार इक्वल्स टू ए, ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन, जो भी हम सोचकर चल रहे हैं कि ये हमारा मीन है, समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन का निकालते हैं, एक्स डब्ल्यू, एक्स बार डब्ल्यू इक्वल्स टू, यहां पर बस वेट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वेट, ये हमारे पास इजी
यहां पर हमारे पास फॉर्मूले हैं। कंबाइंड मीन इंपॉर्टेंट है, इसका लिख लीजिएगा। कैसे लिखते हैं, एक्स डबल बार लिखते हैं इक्वल्स टू एन वन एक्स बार वन प्लस में एन टू एक्स बार टू। ये एन वन एन टू क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू, बिल्कुल इजी। दिस इज द कंबाइंड मीन। अगर तीन वहां पर ऑब्जर्वेशन गिवन है तो एन थ्री आ जाएगा और एक्स बार थ्री आ जाएगा, है ना, तो नॉर्मल है, दिस इज इजी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्टिंग इनकरेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, माध्य की अपरिवर्तित मूल्य को सही करना। अगर हमें गलत मीन की वैल्यू गिवन है, बोला गया है ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ये हमने गलत चूज कर ली है, हमें चूज तो ये करनी थी बट हमने ये ऐसे लिख दिया है इसको, तो वहां पर क्या सिचुएशन आएगी ये देख लो। तो एक्स जो हमारा समीशन एक्स है, जो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाई एन होता है, ये होता है ना, तो हमें ये सही निकालना है क्योंकि ये अभी हमारे पास गलत है। तो इसको सही निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट लिख देंगे यहां पर, इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, समीशन एक्स इनकरेक्ट वाला लिखो, लिख दिया, इसमें से माइनस कर दो इनकरेक्ट वैल्यूज जो हमें नहीं लेनी चाहिए थी, और इसमें से प्लस कर दो करेक्ट वैल्यू जो हमें लेनी चाहिए थी, करेक्ट वैल्यूज, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आ जाएगा, करेक्ट आने के बाद डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो मीन का, एक्स करेक्ट और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज इजी, है ना, काफी इजी। चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, जब एमसीक्यूज वाली वीडियो लेकर आऊंगा तब हम लोग आराम से लाइव सेशन के अंदर एमसीक्यूज लगाएंगे बहुत अच्छे से। मीडियन करते हैं, मीडियन करते हैं, चलो जब ओड है हमारे पास नंबर, ओड नंबर है तो क्या करेंगे, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा आंसर। और जब हमारे पास इवन गिवन है तो हम लोग कैसे करेंगे, सिंगुलर सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज का अभी मैं करवाऊंगा। इवन में लगेगा एन प्लस वन डिवाइड बाई टू आइटम, ठीक है, दिस आइटम, ये आइटम फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 3.5 आ गई, तो हमें लेनी है थर्ड आइटम, थर्ड आइटम को चूज करो एंड फोर्थ आइटम को चूज करो, यानी कि इससे पीछे वाली और इससे आगे वाली आइटम को चूज करना है, इन दोनों को ऐड करके इनका एवरेज निकाल देना है, ऐसे करके इवन का मीडियन निकल जाएगा, इजी है। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज, यहां पर लिख दो इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जहां पर सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। अब बारी आती है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सीरीज की, कंटिन्यूअस सीरीज में डिफरेंट हो जाता है, आ जाओ मीडियन कैसे निकलेगा, एम ई इक्वल्स टू कंटिन्यूअस सीरीज में देखो, यहां पर आएगा एल वन लोअर लिमिट, प्लस कर देंगे हम लोग एन बाय टू माइनस फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ। डायरेक्टली यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो फॉर्मूला पूछा जाएगा, आई होता है क्रॉस क्लास इंटरवल, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब आगे बढ़ेंगे मोड, मोड क्या है, जितनी ज्यादा बार वो चीज रिपीट हो रही है, रिपीटेड वैल्यू, ठीक है, रिपीटेड वैल्यू निकाल ली भाई, अगर इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर कॉन्टिन्यूस सीरीज में वी विल ऐसा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मीडियन का फॉर्मूला लगाए कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, ठीक है, तो यहां पर भी वैसा काइंड ऑफ वाला फॉर्मूला लगेगा, लिखो एल वन प्लस में एफ वन फ्रीक्वेंसी माइनस में एफ नॉट डिवाइड बाय टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू। एफ टू क्या है, पोस्ट मॉडल, जो हमारे पास क्लास इंटरवल वाली फ्रीक्वेंसी चूज करी है उससे अगले वाला, ठीक है, एफ वन क्या है उससे, एफ जीरो क्या है उससे पीछे वाला, ठीक है, और ये क्या है प्री, दिस इज प्री एंड दिस इज पोस्ट, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है, इनटू में वही अपना क्लास इंटरवल, ये हमारे पास बन जाता है फॉर्मूला मोड का, जहां से क्वेश्चन आया भी हुआ है जून के अंदर, ठीक है, जून 2024 के अंदर आया है, जो हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाएगा, लेट अस सी, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू, अच्छा पिछले वाली वीडियो अगर स्लाइड में अगर हाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने नीचे कर रखी है अपनी वीडियो तो दिख रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक मीन करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इनटू में हार्मोनिक मीन, ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं भाई, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन इनटू में
हार्मोनिक मीन, ऐसे निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लो दो हमारे पास गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, दो वैल्यू का निकालना है तो कैसे निकलेगा, ए प्लस बी की पावर हाफ, ये कर देंगे, ठीक है। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं एन की पावर अंदर में ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये एन क्या है, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दो है तो यहां पर बाहर आ जाएगा दो एन की जगह, ठीक है। ऐसे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आया था जून के अंदर, पी वाई क्यू के अंदर भी क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रखिएगा। हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है, डिवाइड बाय वन अपॉन एक्स वन प्लस में वन अपॉन एक्स टू, जो भी हमारे पास सीरीज गिवन होगी वो हम यहां पर लगा देंगे, और इसका क्या करेंगे, सम्मिशन लगाएंगे, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं इसको, एन डिवाइड बाय वन अपॉन एक्स एन का सम्मिशन, इसका सम्मिशन है ना, प्लस करते हैं तो क्या मतलब होता है, सम्मिशन, इजी है, ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है जून 2024 के अंदर, न्यूमेरिकल, बहुत इजी था, ठीक है। क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए क्वार्टाइल क्या होता है, चार क्वार्टर क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड होते हैं, तो तीन निकल सकते हैं, क्वार्टाइल वन निकल सकता है, क्वार्टाइल टू निकल सकता है, क्वार्टाइल थ्री निकल सकता है। तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए जरा, क्वार्टाइल वन जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इंडिविजुअल सीरीज है एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर, बिकॉज चार भाग है वहां पर, ये हो जाएगा nth आइटम। सिमिलरली टू कैसे निकलेगा, टू मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन फोर आइटम। सिमिलरली ये भी ऐसे निकलेगा, थ्री कर देंगे n प्लस वन अपॉन फोर आइटम। ये हमारे पास क्वार्टाइल निकल चुके हैं, बेसिक है, बिल्कुल इजी है, नहीं समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या थ्री को उठाकर यहां लिख देता हूं, अगर नीचे दिख नहीं रहा होगा तो, क्वार्टाइल थ्री इक्वल्स टू वर्ट, थ्री इंटू में एन प्लस वन अपॉन फोर आइटम, ठीक है। अब देखते हैं डिसाइल्स, डिसाइल्स का क्या मतलब है, दस भाग है ना, दस भाग, तो यहां पर कितने बनेंगे, डी नाइन तक चलेगा, डी नाइन तक, ठीक है। तो कैसे निकलता है ये, फॉर एग्जाम्पल डी वन हमें निकालना है, डी वन कैसे निकलेगा, एन प्लस वन कितने हैं, दस पार्ट है, तो डिवाइड बाय दस आइटम, इजी। अब अगर लगा लो डी थ्री निकालने तो कैसे निकलेगा, तीन से मल्टीप्लाई कर दो, एन प्लस वन अपॉन टेन आइटम, बस सिंपल एंड सो ऑन, ठीक है। परसेंटाइल्स क्या है, हंड्रेड, हंड्रेड भाग, हंड्रेड पार्ट्स, तो यहां पर कितने बनेगा, पी वन से लेकर कहां तक जाएगा, पी नाइनटी नाइन तक जाएगा, तो कैसे निकलेगा ये, पी वन कैसे निकलेगा, एन प्लस वन अपॉन में हंड्रेड आइटम, इजी है। और सिमिलरली पी एट अगर हमें निकालना है तो एट से मल्टीप्लाई कर दो, एन प्लस वन अपॉन में हंड्रेड आइटम, ऐसे निकल सकता है। और अगर बारी आती है किस चीज की, कंटिन्यूअस सीरीज की, तो थोड़ा सा वहां पर चेंज हो जाएगा, कैसे आएगा वहां पर, वहां पर एन बाय समथिंग आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एन बाय हंड्रेड माइनस में क्लास फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके फिर वहां पर निकलेंगी चीजें, ठीक है, कम्युनिटी वाले में, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वही है, लोअर लिमिट प्लस कर देंगे इंटू में क्लास इंटरवल कर देंगे, डिवाइड बाय यहाँ पर कर देंगे फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से निकल सकता है, ठीक है जी, देख लीजिएगा, सारों को आप लोग आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर पे बढ़ते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इसको लगा लो स्टार क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले ये समझ लेते हैं कि दो प्रकार के हमारे पास यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, या फिर मेजर ऑफ वेरिएशन होगा, फैलाव का माप होगा, एब्सोल्यूट एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, उसी यूनिट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं, किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अलग, अगर अलग अलग यूनिट्स है तो वी कैन नॉट कंपेयर। रिलेटिव में क्या होता है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए, कोएफिशिएंट जहां पर आ जाएगा इसका मतलब क्या है, वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया तो तुम इसमें जोड़ दोगे, वो अलग है, कोरिलेशन अलग है अपना, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये है हमारे पास, और ऊपर करके भी दिखा देता हूं, देख लेना, दिख गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है, चलिए इसके फॉर्मूले करते हैं। चलो रेंज, रेंज क्या है, हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट वैल्यू,
हाइयर वैल्यू या हाइएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू, सबसे इजी फॉर्मूला, ठीक है? ठीक है, इसी का ही कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा, हाइएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइड बाय हाइएस्ट प्लस लोवेस्ट, है ना? ये सही है बिल्कुल, हाइएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइड बाय, इसको लिख देता हूं मैं ताकि आपको परेशानी ना हो, हाइएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइड बाय हाइएस्ट प्लस प्लस लोवेस्ट, ठीक है, इजी है। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है, बहुत इजी है हमारे पास, ये क्यू थ्री माइनस में क्यू वन, बिल्कुल इजी, ठीक है। अब यहां पर क्यू वन क्यू थ्री कैसे निकलेंगे, क्यू वन वही है एल वन कर देंगे यहां पर प्लस में क्वार्टाइल है यानी कि पांच चार एन फोर माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू में क्लास इंटरवल, ऐसे निकलेगा ना, वेरी इजी, ठीक है। सिमिलरली आप लोग क्या निकाल सकते हैं, क्यू थ्री निकाल सकते हैं, यहां पर बस थ्री से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो वो क्यू थ्री बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंटरपर्सेंटाइल रेंज, ठीक है, जो कहां तक का बताएगी अपने को, पी टेन से लेके पी नाइनटी तक का बताता है जनरली, ये हम लेकर चलते हैं, ठीक है, यानी कि 90% अपने को बता देगा वैल्यू, और इंटरक्वार्टाइल रेंज बताएगा आई थिंक 50%, 50 होता है या 75 होता है देख लेना, ठीक है। तो इंटरपर्सेंटाइल क्या है हमारे पास, पी नाइनटी माइनस में पी टेन, और कैसे निकलेगा, जैसे मैंने आपको कंटिन्यूस में निकलवा के दिखाया है वैसे ही निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वार्टाइल डेविएशन देखते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है, चलिए करें क्वार्टाइल डेविएशन, क्यू थ्री माइनस में क्यू वन अपॉन में टू, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या कर दो, एवरेज कर दो, तो क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाता है, इजी है, ठीक है। या फिर यहां लिख सकते हैं और इंटर क्वार्टाइल रेंज का अपॉन में टू, एवरेज कर दिया, ठीक है। अब यहां पर एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ध्यान रखिएगा, सिक्स क्यूडी क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू फाइव मीन डेविएशन, इक्वल्स टू फोर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक रिलेशनशिप है, ध्यान रखिए। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा, बहुत इजी है, क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइड बाय क्यू थ्री प्लस में क्यू वन, इजी, ठीक है। मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, मीन डेविएशन का क्या मतलब है, डेविएशन मीन से डेविएट करना, है ना, तो ये होता है एब्सोल्यूट, इसे क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी कहा जाता है। कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीकों से निकाल सकते हैं, हमें निकालना है मीन से तो निकाल लेंगे, हमें निकालना है मीडियन से तो भी हम निकाल सकते हैं, कैसे होगा, लेट अस सी, एक्स माइनस मीन, है ना, ये हो गया डेविएशन, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा, और इसका कर देंगे सबमिशन, डेविएशन का सबमिशन करना है, इजी है, ये हो गया मीन से निकाला हुआ मीन डेविएशन, जिसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, कुछ इस प्रकार से डिनोट करेंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे डिनोट होता है ये, और मीडियन से निकालेंगे तो क्या आएगा, सबमिशन ऑफ एक्स माइनस, यहां पे आ जाएगा मीडियन और डिवाइड बाय एन, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है, दिस इज मीन डेविएशन। और ये क्या करता है, प्लस माइनस नहीं देखकर चलता, नॉर्मल लगाएगा, एब्सोल्यूट नंबर लेकर चलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलता है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बहुत इजी है, जो हमने ये निकाला है मीन डेविएशन, चाहे वो किससे निकाला हो, हमने मीन से निकाला हो या फिर हमने अपना मीडियन से निकाला हो, डिवाइड किससे कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड, सॉरी उसी के मीन से डिवाइड कर देंगे, यहां पर मीन आ जाएगा और यहां पर मीडियन आ जाएगा, इजी है। व्हाट इज दिस, दिस इज मीडियन, दिस इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। दोबारा से मैं बता दूं, मीडियन से ही लिया जाता है मीन डेविएशन को, क्यों, क्योंकि मीडियन से जो हमारे पास सम ऑफ डेविएशन होते हैं वो मिनिमम होते हैं, अगर हम मीन से सम ऑफ डेविएशन लेंगे तो वो होगा जीरो, याद करो मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर करवाया था, नहीं याद है तो जाकर करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, कैसे निकलेगा, अगेन डेविएशन निकाल लो,
डेविएशन निकाली, डिवाइड बाय एन कर दिया, इसका स्क्वेयर कर दो, इस पूरे का अंडर रूट कर दो। सिंपल, ये सिंपलेस्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला है। आगे बढ़ेंगे, और भी इसके फॉर्मूले हैं, लिखो जरा। समीशन एक्स का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का समीशन कर दो, डिवाइड बाय एन कर दो, माइनस में एक्स बार यानी कि मीन का स्क्वेयर, इसका कर दो अंडर रूट। ये हो गया हमारे पास। और क्या है फॉर्मूला? और है सम ऑफ डी स्क्वेयर डिवाइड बाय एन माइनस में सम ऑफ डी डिवाइड बाय एन का होल स्क्वेयर, इसका कर दो अंडर रूट। ठीक है, और भी यहां पर हमारे पास फॉर्मूले हैं, क्या होंगे? और फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये कर दो अंडर रूट। बस सिंपल है। और कितना होगा और देखिए, वैसे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला याद रख लेना, अगर रखना चाहो, बाकी सारे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और लिखो, और देखो, एफ एक्स स्क्वेयर समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी है ना, माइनस में एक्स बार का होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी हमारा इसमें भी यूज कर लेंगे हम लोग, तो समीशन ऑफ एफ डी स्क्वेयर डिवाइड बाय एन, एन की जगह समीशन ऑफ एफ भी ले सकते हैं, एफ डी डिवाइड बाय एन का होल स्क्वेयर, और ये कर दो पूरा अंडर रूट। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, यहां पर लगा देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, डिवाइडेड बाय कर देंगे मीन। ठीक है, डिवाइड बाय हो जाएगा मीन, और हमेशा ध्यान रखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन से निकलेगा। ठीक है, ये आ गया। ये परसेंटेज फॉर्म के अंदर नहीं होता है, ये नॉर्मल मतलब नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो परसेंटेज फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, ये होगा क्या, अपना सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू में 100, ये हमारे पास रहेगा परसेंटेज के अंदर। ठीक है, किसमें रहेगा? यहां लिख देंगे परसेंटेज फॉर्म में। ठीक है, यही डिफरेंस होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बीच। अब आगे बढ़ेंगे, वेरिएंस जानते हैं। वेरिएंस क्या है? सिग्मा का स्क्वेयर, ये हमारे पास वेरिएंस बनता है। और अच्छे से करना है और अच्छे से करते हैं। पहले सिग्मा लिख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लो। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बताओ? x माइनस एक्स बार, इसका होल स्क्वेयर करो, डिवाइड बाय n कर दो, इसका समीशन करो और अंडर रूट लगा दो। लगा दिया। अब क्या करना होता है वेरिएंस निकालने के लिए? इसका स्क्वेयर करना होता है। तो स्क्वेयर करेंगे, ये किससे कट जाएगा? अपने अंडर रूट से कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन, ये हमारे पास बच जाएगा। दिस इज वेरिएंस, बेसिक चीज। कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं इसको जरा नोट डाउन करो। कोवेरिएंस निकलेगा आपका समीशन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई बार। ये जनरली रिग्रेशन में भी काम आता है आपके, डिवाइड बाय एन। और अगर हम सैंपल से निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय एन माइनस वन कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग सैंपल से निकाल रहे हैं तो दिस इज कोवेरिएंस। ठीक है, एक और रिलेशनशिप है यहां पर, रिलेशनशिप ध्यान रखिए, रिलेशनशिप लिखवा दी ना मैंने शायद, ये रिलेशनशिप मैंने यहां लिखवा दिया। ठीक है, चलिए, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, ऐसे स्टेप वाइज स्टेप, चैप्टर वाइज चैप्टर उतारते रहो। आगे बढ़ते हैं, अब हमने स्क्यूनेस भी किया था है ना, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमिट्रिकल, ये सारी चीजें करी थी। तो स्क्यूनेस निकालने के भी क्या है हमारे पास? फॉर्मूले हैं। ठीक है, स्क्यूनेस निकालने के हमारे पास फॉर्मूले हैं। कैसे निकाले जाएंगे? तीन हमारे पास फॉर्मूले होते हैं या फिर तीन मेजर होते हैं, तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है कार्ल पियर्सन, एक होता है कैलीज, एक होता है बोलीस, है ना, ये दो है, तीन है हमारे पास। तो कार्ल पियर्सन ने क्या यूज किया? नॉर्मली मीन माइनस मोड किया, मीन में से माइनस कर देंगे मोड। अगर पॉजिटिव रहा तो मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर इक्वल रहे दोनों तो जीरो है। ठीक है, इसका प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो, प्रॉपर फॉर्मूला है ये। अगर हम दो तरह से निकाल सकते हैं स्क्यूनेस, मीडियन से निकाल सकते हैं, मोड से निकाल सकते हैं, मतलब मीन मीडियन से और मीन एंड मोड से। मीन एंड मीडियन से कैसे निकलेगा देख लो, थ्री कर देंगे, थ्री इंटू में मीन माइनस मीडियन, मीन मीडियन से निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन।
उसके बाद क्या आएगा, सेकंड वाले में क्या है, मीन माइनस मोड कर देंगे डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कर देंगे, बस यहाँ पर तीन नहीं आएगा, है ना, तीन नहीं आएगा यहाँ पे। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट इज बॉलीज का स्क्यूनेस कोएफिशिएंट। ये कैसे निकालते हैं, इन्होंने यूज किया था क्वार्टाइल को, यूज किया ठीक है। ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में और काफी बार पूछा भी गया है। तो बॉलीज ने किसका यूज किया, क्वार्टाइल का यूज किया। तो क्वार्टाइल वन प्लस में क्वार्टाइल थ्री माइनस में टू इंटू क्वार्टाइल थ्री डिवाइड बाय अपना इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको क्या बोल सकते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोल सकते हैं, है ना, ये हमने किया है, इजी है। आगे बढ़ेंगे केलीज का मेजर। यहां पर इन्होंने क्या यूज किया था देखिए जरा, इन्होंने यूज किया था परसेंटाइल, ठीक है, क्या यूज किया, यूज्ड परसेंटाइल। यहां से एक पी वाई क्यू आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, यही पूछा था कि इन्होंने यूज क्या किया था, ठीक है, पी वाई क्यू यहां से आया हुआ है। ये रहा इनका फॉर्मूला, पी नाइनटी प्लस में पी टेन माइनस में पी इंटू पी फिफ्टी, ठीक है, पी फिफ्टी और डिवाइड बाय पी नाइनटी माइनस पी टेन, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन लोग, स्क्यूनेस डन है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी डन है, डिस्पर्जन डन है, स्क्यूनेस डन है। अब बारी आती है कोरिलेशन की। कोरिलेशन से पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक चीज करवाना चाहूंगा, फाइव पॉइंट समरी। एक अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगाना है, उसके फीचर के बारे में पता लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, विशेषताओं के बारे में अगर पहचान करनी है तो पांच चीजें से पहचान की जा सकती है। पांच चीज वहां पर दिखाई देगी, क्या होगा, पहली चीज क्या है, स्मॉल वैल्यू या फिर लोवेस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं, लिख लो यहां पर लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। और क्या होगा, अपना क्वार्टाइल वन, आई वुड से, ठीक है, क्वार्टाइल वन, और यहां होगा मीडियन, यहां होगा हमारे पास क्वार्टाइल थ्री, एंड जो फिफ्थ है हमारे पास वो है, और फिफ्थ क्या था, क्वार्टाइल थ्री है, और लास्ट में हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, यहां लिख देंगे लार्जेस्ट वैल्यू, लार्ज वैल्यू, यहां लिखेंगे हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। इसको एक प्रकार से डिनोट किया गया है, मतलब दिखाया गया है, दर्शाया गया है, कैसे, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की तरह से। और यहां से पी वाई क्यू भी आया है, ठीक है, यहां से पी वाई क्यू भी आया है। तो बॉक्स प्लॉट कैसे बनाते हैं देखिए जरा, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कैसे बनाएंगे, देखो यहां से शुरुआत होगी हमारी, मान के चलो ये एक नंबर लाइन काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है, अपने जीरो से शुरू हुई, मतलब बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट से शुरू हुई, जरूरी नहीं है जीरो से शुरू हो, जो भी हमारे डेटा के अंदर सबसे स्लोवेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वहां से शुरुआत होगी। तो ये होगा यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू, यहां लिख देंगे क्या, एस वन, स्मॉलेस्ट वैल्यू कह दो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहां तक पहुंचेंगे और यहां पर एक काइंड ऑफ बॉक्स बन जाएगा, ठीक है, ये बॉक्स बन गया। यहां क्या है, ये है हमारे पास मीडियन, ये है हमारे पास क्यू वन, ये है हमारे पास क्यू थ्री, और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे, दिस इज लार्ज वैल्यू, ठीक है। तो जो ये बॉक्स है, जो ये बॉक्स है, ये क्या दर्शाता है हमें, ये जो बॉक्स है ये हमें दिखाएगा 50% वैल्यू, ठीक है, 50% डेटा यहां पर है, और यहां पर डेटा कितना है भाई, 25% है। यहां पर डेटा कितना है भाई, 25% है, यानी अगर मैं बोलना चाहूं तो कैसे बोल सकता हूं, स्टार्टिंग वाला 25% कौन दिखाएगा, एस वन से लेकर चौवन तक, ठीक है, और बीच का 50% कौन दिखाएगा भाई, चौवन से लेकर क्यू थ्री तक, और लास्ट वाला 25% कौन दिखाएगा, अपना क्यू थ्री से माइनस में लार्ज वैल्यू तक, ठीक है, इजी है। एक बारी मैं इसको थोड़ा सा वो कर लूं, क्या कहते हैं उसे, रेक्टिफाई कर लूं जरा कि क्यू वन की जगह क्यू थ्री तो नहीं आएगा, मतलब ऐसे अपोजिट तो नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल सही है अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज फाइव पॉइंट समरी, ठीक है, बहुत इजी था और पी वाई क्यू भी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, आर से हम लोग डिनोट करते हैं, दिस इज आर, ठीक है। तो आर कैसे निकालेंगे, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये जनरल फॉर्मूला रहता है हमेशा, यहां पर हम इसी को ही लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चलो आओ
देखो जरा अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला है हमारे पास कोवेरियंस, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्यों भाई, दो दो फैक्टर्स के बीच में, दो इवेंट्स के आई मीन दो फैक्टर्स के बीच में ही तो, दो वेरिएबल्स के बीच में ही तो कोरिलेशन देखना है हमें। कोवेरिएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है। और क्या हो सकता है, इसको खोल देंगे तो क्या आएगा, आर इक्वल्स टू समीशन किस चीज का, एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर, ठीक है, इनटू में करेंगे क्या, समीशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वेयर, ठीक है, और इसका क्या कर देना, इसका भी समीशन कर देना। इतना क्लियर है, बेसिक था ना, देखो समझ में आ रहा होगा, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर कर दो, जो ऊपर है उसी को नीचे ले आओ, बस उसमें बस स्क्वेयर कर देना, और इस पूरे का कर दो अंडर रूट, इस नीचे वाले पूरे का कर दो अंडर रूट, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, दिस इज इट। और क्या फॉर्मूला बन सकता है इसके आधार पर, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरियंस लिख सकते हैं, अंडर अंडर रूट वेरियंस एक्स का इनटू में अंडर रूट वेरियंस किसका, वाई का, ऐसे करके भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तीन चार हमारे पास फॉर्मूले हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या है, एक ऐसा टेस्ट है जो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जहां पर रैंक का यूज किया जाता है वहां पर यूज हो सकता है, ऑर्डिनल नेचर का डेटा के अंदर यूज किया जाता है, ऑर्डिनल डेटा में यूज होगा, ठीक है। तो इसका क्या है, आर स्पीयरमैन का 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या रहेगा, एन एन स्क्वायर माइनस 1। इसको और कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं एन क्यूब माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, सिंपल है, इजी है, आगे बढ़े हम लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी, मैंने सब समझाया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहां पर कंसेप्ट में समझाने वाला अभी दोबारा से, आर स्क्वायर होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो जो आर है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कोरिलेशन का स्क्वायर कर दिया, सिंपल है, ठीक है। और कैसे लिखते हैं इसको, आर स्क्वायर इक्वल टू अपना बी वाई एक्स इंटू में बी एक्स वाई, ये क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, क्या है ये दोनों, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इजी है। वो बोलते हैं ना कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, तो वो ये इसकी बात होती है, ठीक है, तो आर स्क्वायर भी निकल सकते हैं ऐसे, इजी है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोबेबल एरर, किस लिए यूज होता है, सिग्निफिकेंस देखने के लिए कि इनके जो सिग्निफिकेंट है, मतलब इनका जो रिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो प्रोबेबल एरर यहां पर निकाला जाएगा। प्रोबेबल एरर कैसे निकलेगा, 0.6745, ये वैल्यू याद कर लेना हमेशा, 6745 6745, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, चलिए कंटिन्यू करेंगे अब हम लोग। 6.745 और इसका आएगा 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, है ना, यही होता है, एक बार मैं कंफर्म कर लूं फिर से, जनरली तो यही है, यही है, अगर कोई भी होगा, अगर डिफरेंट होगा तो मेरे को बता देना, वैसे तो यही है, प्रोबेबल एरर यही है, ठीक है। और यहां से भी पी वाई क्यू आया है, ध्यान रखिए, यहां से भी पी वाई क्यू आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और यहां से भी पी वाई क्यू आया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नाउ प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर करते हैं। कोरिलेशन डन है, सेंट्रल टेंडेंसी डन, डिस्पर्शन डन, स्क्यूनेस डन, फाइव फैक्टर वाला डन, फाइव पॉइंट समरी डन, और अपना स्क्यूनेस हो गया, और अपना अभी हमने किया कोरिलेशन, ये भी डन हो गया। अब बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, प्रोबेबिलिटी के करते हैं। थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, मैं नहीं समझाऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या है, मैंने सब कुछ समझाया हुआ है सारी वीडियोस के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट, ठीक है।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी होने की, ठीक है, क्या है, ये है होने की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है, ना होने की। सिंपल है। थ्योरी ऑफ एडिशन, जब थ्योरी ऑफ एडिशन की बात होगी तो दो हमें इवेंट्स देखने पड़ेंगे, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नॉन म्यूचुअली वाले को क्या और बोलते हैं, ओवरलैपिंग भी बोलते हैं हिंदी में पढ़ लीजिएगा, और कंपाउंडिंग भी बोलते हैं हिंदी में पढ़ लीजिएगा, चक्रवृद्धि, ठीक है, और यहाँ पर अतिव्यायी, व्यापी, अतिव्यापी, वेरी नाइस। चलिए, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर हैं तो बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन ज्वाइंट, मतलब यूनियन ऑफ इवेंट टू, ये जो यू है, ये जो यू वाला साइन है, ये क्या है, यूनियन इसको बोलते हैं, इक्वल्स टू पी इवेंट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू। सबसे इजी फॉर्मूला है ये। अगर ये इवेंट नहीं होगा, दूसरा इवेंट होगा, ओवरलैपिंग होगा, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा या फिर कंपाउंडिंग होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ इवेंट वन एंड इवेंट टू इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू माइनस में प्रोबेबिलिटी इनकी ज्वाइंट वाली, वन इंटू में टू, ठीक है, इसका इंटू कर देंगे हम लोग, ठीक है, इवेंट वन इंटू में इवेंट टू कर देंगे, इजी है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहां पर भी दो इवेंट हमें निकालने हैं, आइडेंटिफाई करने होते हैं, इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट अगर है तो नॉर्मल सा आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन, यू नहीं लिखेंगे इसको, नीचे करके लिखते हैं, ज्वाइंट जिसे बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू। सबसे इजी, अगेन डिपेंडेंट अगर हमारे पास इवेंट्स है ना, स्वतंत्र नहीं है, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू एंड इवेंट वन इक्वल्स टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू टू गिवन दैट इवेंट वन इज हैपनिंग, ठीक है, ये जो स्लैश है ये क्या बोलता है, गिवन दैट, इसको कैसे बोला जाता है, गिवन दैट, क्या है ये, कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इवेंट वन हो चुका है ना, ये कंडीशन है, तो कंडीशन है, तो कंडीशन इसको क्या बोला जाता है, इस पर्टिकुलर चीज को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या बोला जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस चीज को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। कैसे निकलती है, बहुत इजी है, पी ए टू में यहां पर जॉइंट आएगा, आई थिंक हाँ जॉइंट आएगा, वन इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन, ठीक है, ये क्या है, गिवन दैट, मतलब ये इसके कारण, इसके कारण ऊपर वाले में चेंज आ रहा है ना, यही है। बढ़े आगे, कंडीशनल डन है, थ्योरम ऑफ टोटल थ्योरम पे पढ़ते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी पे पढ़ते हैं, कैसे निकाला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, यहां पर नोट डाउन कर लेना, प्रोबेबिलिटी एच वन इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन दैट, या फिर इंटू गिवन दैट कि एच वन इज हैपनिंग, प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टू इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की भाई एच टू इज हैपनिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आगे तक बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है, ये हो गया इवेंट, हो गया ये इंटू में एच थ्री, ठीक है, एंड सो ऑन, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रहती है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इतना हो गया। अब बेस थ्योरम करो, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, पी वाई क्यू, बेस थ्योरम क्या बनेगा, पी एच आई गिवन दैट इवेंट ई, ठीक है, ये इवेंट ई क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इनकी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आई होप बेस थ्योरम का फॉर्मूला भी कवर है, पूरा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाओ आप लोग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है, डिस्क्रीट है ना, और पॉइजन भी क्या है, डिस्क्रीट है ना, और हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इजी, तो इनका फॉर्मूला क्या बनता है, बाइनोमियल का,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स क्यू एन माइनस समथिंग एन माइनस अभी अभी करवाता हूँ पी की पावर एक्स है ना, ऐसे रहता है और एन माइनस क्या रहेगा एक्स आएगा आई थिंक। याद करना थोड़ा सा मुश्किल है तो रिवाइज करते रहिए। हाँ एन माइनस एक्स आएगा ठीक है। क्यू क्या है फेलियर की प्रोबेबिलिटी, पी क्या है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ठीक है। ये मैंने कैसे सोल्व करते हैं मैंने आपको समझाया हुआ है ठीक है ना, बिल्कुल सही है ठीक है। बाइनोमियल निकाला कैसे जा सकता है, पॉइजन से भी निकाला जा सकता है अगर एन लार्ज हो ठीक है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे पॉइजन को यूज कर सकते हैं बाइनोमियल को निकालने के लिए ठीक है। पॉइजन का क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यहां से पी वाई क्यू आया है, यहां से पी वाई क्यू आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई माइनस ई की पावर लैम्डा माइनस लैम्डा इनटू में लैम्डा की पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल ठीक है। लैम्डा हमारा क्या है, लैम्डा हमारा मीन है ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं मीन क्या है यहां पर अपना लैम्डा, और स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर क्या है अपना लैम्डा अंडर रूट, और वेरिएंस यहां पर क्या है अपना लैम्डा ठीक है। दिस इज लैम्डा, यहां लिख भी देता हूं दिस इज लैम्डा ठीक है। और यहां पे जो हमारे पास रहेंगे क्या रहेंगे एन इंटू पी, क्या है हमारे पास मीन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है एन पी क्यू का अंडर रूट है, और वेरिएंस क्या है यहां पे एन पी क्यू है ठीक है। इजी, चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जेड ट्रांसफॉर्मेशन से निकाली जा सकती है यहां से वैल्यू, तो जेड इक्वल्स टू यहां पे लिखेंगे एक्स बार यानी कि मीन सैंपल का माइनस में अपना पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जनरली इस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, बट यहां पर हम और भी क्या यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर का भी हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे समझे, आगे अभी हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कहलाएगा, नमूना वितरण का मानक विचलन क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड एरर कहलाता है ठीक है। तो क्या आएगा यहां पर स्टैंडर्ड एरर बन जाएगा, क्या होता है स्टैंडर्ड एरर सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन, ऐसे हो सकता है सिग्मा की जगह छोटे वाला एस भी यूज कर सकते हैं, और एस एस क्या हो जाएगा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। इजी है, जल्दी जल्दी से करते हैं अब कवर। तो ये हो गया अपने पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरवल एस्टिमेट कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको करवाया है। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है, एक्स बार ये होता है पॉइंट कि भाई पैरामीटर की ये वैल्यू है, अगर इंटरवल निकालना है तो प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे क्या जी की वैल्यू एल्फा वैल्यू डिवाइड बाई टू, और यहां पर आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ये हमारे पास क्या बनती है, इंटरवल की वैल्यू बनती है ठीक है। एक बारी मैं आपको कंफर्म करके भी दिखा देता हूं, और मैंने आपको सारी बिल्कुल अच्छे से ना बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझाया है, जब भी मैंने इसका टॉपिक करवाया है तो मैंने तोड़ तोड़ के समझाया है इजीली ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप लोग मेरी वीडियो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी होगी डॉक्टर लोकेश बाली चैनल पे यूट्यूब चैनल पे, तो वहां से आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी ठीक है। और कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, अगर मैं कोई फॉर्मूला भूल रहा हूँ कि भाई इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप कैसे भूल सकते हैं सर जी बताइए हमें, तो वो भी मेरे को बता देना ठीक है। तो ये हमारे पास होता है बिल्कुल सही फॉर्मूला मैंने लिखा है ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। बढ़े आगे इंटरवल एस्टिमेट का, चलिए अब बारी आती है टेस्ट की, लास्ट वाले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं हम। जी टेस्ट, टेस्ट टी टेस्ट, ये सारे कैसे लगते हैं, तो पहला करते हैं जी टेस्ट या जी डिस्ट्रीब्यूशन, जी स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है। जी टेस्ट क्या होगा, अपना एक्स बार सैंपल का मीन माइनस में पॉपुलेशन का मीन जो गिवन होगा अपने को डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। और क्या यूज हो सकता है, सैंपल मीन
पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय अपना स्टैंडर्ड एरर, या फिर मैं बोलूं अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है मीन उसका सैंपल का, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर भी आ सकता है, स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर कौन से वाला आएगा, जो नॉर्मल वाला रहता है, सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन, ठीक है। अब देखो टी टेस्ट कहाँ यूज होता है, हमने सब कुछ किया है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल साइज बिल्कुल छोटा है वहां हम यूज करेंगे इसको, और यहां आ जाएगा एक्स बार माइनस में म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर कैसा आएगा, स्टैंडर्ड एरर कैसा आएगा बताओ, छोटे वाला एस डिवाइड बाय अंडर रूट एन, ठीक है। ये क्या है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इजी, कोई डाउट हो तो बताइएगा। थर्ड पे भरते हैं हम लोग, जी कर लिया, टी कर लिया, अब शायद से काई स्क्वायर की बारी है, और काई स्क्वायर ये यहाँ पर कौन सा है, नॉन पैरामीट्रिक नहीं है, पैरामीट्रिक हम यूज कर रहे हैं पहले, तो पैरामीट्रिक जब यूज होगा इसका फॉर्मूला बनता है क्या, काई स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं इक्वल्स टू एन वन माइनस वन, ऐसे करके होगा, आई थिंक अभी दिखा रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ी सी मेरे को भी देखने की जरूरत है, इनटू में सैंपल वेरिएंस रहता है डिवाइड में पॉपुलेशन वेरिएंस रहता है, अभी और अच्छे से दिखा देता हूँ। हाँ सही है, तो ये होगा अपने पास सैंपल का वेरिएंस डिवाइड बाय पॉपुलेशन वेरिएंस, दिस इज व्हाट सैंपल वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस डन है, दिस इज व्हाट पॉपुलेशन वेरिएंस डन है, ठीक है। ये फॉर्मूले करवा रहा हूं मैं आपको, यहां पर ये मत बोल देना कि सर ये हिंदी में करवा दो, अब हिंदी में कैसे कराऊं, फॉर्मूले है नॉर्मल। फोर्थ पे भरते हैं, काई स्क्वायर हो गया, पैरामीट्रिक वाला काई स्क्वायर हो गया, अब बारी आती है एफ टेस्ट की, एफ टेस्ट हमने लास्ट क्लास के अंदर किया है अनोवा वाले में, तो कैसे निकलता है, लार्जर वेरियंस, लार्जर वेरियंस डिवाइड बाय स्मॉलर वेरियंस, स्मॉलर वेरियंस आएगा, या फिर कैसे लिख सकते हैं, सैंपल का फर्स्ट सैंपल का वेरियंस और सेकेंड सैंपल का वेरियंस ऐसे निकाल सकते हैं, जहां पर न्यूमरेटर न्यूमरेटर जो है उसकी डिग्रीज क्या है फ्रीडम की, और डिनोमिनेटर जो है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम DF, जो V से हम लोग डिनोट करते हैं, न्यूमरेटर की क्या है, न्यूमरेटर की रहती है जनरली C माइनस वन कॉलम माइनस वन, और N माइनस कॉलम रहेगी हमारी डिनोमिनेटर की, और टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या बन जाएगी, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास बन जाएगी N माइनस वन, ठीक है, दिस इज इट, ठीक है। और क्या फॉर्मूले होंगे, इसको हम निकाल सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कैसे, काई स्क्वायर वन की वैल्यू उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, काई स्क्वायर सेकेंड वाले की वैल्यू और उसकी ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और कैसे निकल सकता है, और जरा गौर करिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत करना खुद को, टेंशन मत लेना, यहां पर आएगा मीन स्क्वेयर बिटवीन कॉलम्स डिवाइड बाय मीन ऑफ स्क्वेयर्स विद इन कॉलम, जिसे एरर्स भी बोला जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे MSC, और इसको क्या लिखते हैं MSE, ऐसे करके भी हम F को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मीन स्क्वेयर बिटवीन कॉलम्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ स्क्वेयर्स डिवाइडेड बाय द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना, और सिमिलरली सम ऑफ स्क्वेयर्स विद इन कॉलम डिवाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये होता है हमारे पास, बिल्कुल बेसिक है, हमने अनोवा में किया है। आगे बढ़ते हैं, एफ टेस्ट कंप्लीट है, अब कौन सा टेस्ट बचा है, अपना काई स्क्वायर बचा है नॉन पैरामीट्रिक, काई स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक वाला, यानी कि ऑर्डिनल डेटा जहां यूज हो रहा है वहां पर वी कैन अप्लाई दिस वाला टेस्ट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, काई स्क्वायर की वैल्यू इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर, इसका कर दो समीशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये रहता है हमारे पास, ठीक है, दिस इज अपना काई स्क्वायर टेस्ट, और इसमें भी अपनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी, जनरली के माइनस वन रहती है, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये होता है यहाँ पर हमारा
चैप्टर कंप्लीट, आई मीन ये वीडियो कंप्लीट, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सभी के सभी फॉर्मूले करवा दिए हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के विद इन कुछ मिनट्स, और ये बहुत ईजी भी है, टेंशन मत लेना। इसमें से कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं, जैसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा फॉर्मूले हैं, है ना, हाइपोथेसिस में काफी ज्यादा है, जहां पर हम मीन, दो सैंपल के मीन को चूज करते हैं, देखते हैं, कंपेयर करते हैं, जहां पर हम वेरियंसिस को देखते हैं दो से ज्यादा पॉपुलेशन की, तो वहां पर अलग अलग है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, वो ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, बट चाहो तो वो रख सकते हो, आपकी कोई भी बुक होगी वहां से हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज इतने जो फॉर्मूले आपने कर लिए हैं सुफिशियंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उससे पहले मैं आपको दोबारा से एक चीज दिखा देता हूं, अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो वेरी वेल डन, यू आर सुपर ह्यूमन, कि आप लोग एंड तक बने रहिए, बने रहे, और इसी के लिए बेनिफिट देने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि 50% का ऑफ चल रहा है, इससे ज्यादा का ऑफ अभी तक तो आया नहीं है, 50% इज द हाईएस्ट ऑफ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि दिसंबर के लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊं, दिसंबर 2024 के लिए, जनरली तो वो जैन के अंदर होने वाला है, जनवरी के अंदर होगा एग्जाम, जैसे अभी हालात चल रहे हैं, और अपना जून 2025 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन बाय, है ना, पेपर वन एंड पेपर टू कॉम्बो बाय कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन बाय दी कॉमर्स वाला ओनली, दिस इज अप टू यू, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है, बट आपके पास चांस है, कोशिश करो कि ले पाओ, ठीक है। और अपना जो अभी रीनेट का रिजल्ट है वो आने वाला है, उसके बाद भी आपको मौके मिलेंगे तो तब भी आप लोग ले सकते हो, क्योंकि मुझे पता है काफी लोग नेट और जेआरएफ के चक्कर में अभी बैठे हुए हैं, उनको डर लग रहा है कि जेआरएफ निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो वो डर खत्म जब होगा, जब रिजल्ट आएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ऑफर लेकर आऊं, आपके जब रिजल्ट आएगा उसके एक दिन के बाद तक वो ऑफर चलता रहे, है ना, एक दिन बाद तक, क्योंकि आप लोग अच्छे से डिसाइड कर सको एंड देन यू कैन बाय द कोर्स, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड अच्छे से पढ़िए, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर, और शाम 6 बजे होता है, ध्यान रखिएगा, एवरी डे ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, सो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर, टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।